राजस्थान की राजधानी जयपुर में 11 साल पहले हुए सीरियल बम धमाके करने वाले गुनहगारों को विशेष कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। इस केस में 5 आरोपियों को राजस्थान SOG ने गिरफ्तार किया था। 1 आरोपी को गत वर्ष दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 3 अभी तक फरार है। सीरियल ब्लास्ट के मामले में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 FIR दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच करते हुए SOG ने सितंबर 2008 में सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन को घटना की जानकारी मेल करने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मार्च 2009 में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरियन और मोहम्मद सरवर आजमी को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में मोहम्मद सलमान और सुफेर उर्फ सुफर महान अंसारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिछले साल आरिज खान उर्फ जुनेद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक राजस्थान पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार नहीं किया। सीरियल ब्लास्ट केस के 2 आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। इनमें मिर्जा शादाब बेग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा और मोहम्मद खालिद शामिल है। शुरुआत में तो मामले को ट्रायल काफी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से इसने गति पकड़ी। यही वजह है कि अब कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK News।